तो हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एक तो जकोबी थ्योरम की थी और एक हमने हैमिल्टन जकोबी इक्वेशन की थी। अब हमारे पास ये दो न्यूमेरिकल हैं और ये अक्सर पेपर में आते रहते हैं और दोनों न्यूमेरिकल आप पीछे भी कर चुके हैं। आई थिंक ये फोर्थ और फिफ्थ टाइम ये न्यूमेरिकल आ रहे हैं यहाँ पे। वन इज़ ऑफ कैपिलरी मोशन और दूसरा है हार्मोनिक ऑसिलेटर। बड़ा क्वेश्चन आपने लग्रांजिस में भी किया था, हैमिल्टन में भी किया था, रुदिन में भी किया था, यहाँ पर फिर वापस ये हैमिल्टन को भी इक्वेशन में भी आ रहे हैं। तो कुछ टास्क इसका मैं आपको दे रहा हूँ फिर से, देखिए ज़रा। क्वेश्चन नंबर फोर, सपोज दैट ए पार्टिकल ऑफ मास एम इज़ अट्रैक्टेड बाई एन इनवर्स स्क्वेयर ग्रेविटेशनल फोर्स टू ए फिक्स्ड पॉइंट ओ, वही कैपिटल लॉ ऑफ मोशन है। एंड द पार्टिकल मूव्स इन अ प्लेन हुज पोजिशन इन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट इज गिवन बाई आर कॉमा थीटा। डिस्कस द मोशन ऑफ द पार्टिकल बाई हैमिल्टन जकोबी मैथड। तो बोलता है कि इस पार्टिकल के मोशन को आप हैमिल्टन जकोबी इक्वेशन मैथड से डिस्कस करो। ठीक है जी, तो आई थिंक दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर फाइव। इक्वेशन नंबर फोर तक सेक्शन सेकेंड का क्वेश्चन नंबर फाइव, मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से, सेक्शन सेकेंड का क्वेश्चन नंबर फाइव अप टू इक्वेशन नंबर फोर एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करना आपने। यहाँ से स्टार्ट होगा, कंसिडर ए पार्टिकल ऑफ मास आर मूविंग इन अ प्लेन कर्व एंड अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ओरिजिन ओ विद इन अ फोर्स इनवर्स स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम इट, दैट इज एफ इज इक्वल टू माइनस एम म्यू अपॉन आर स्क्वायर, वेयर माइनस म्यू इज कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, ये एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर फाइव आपने सेकेंड सेक्शन का एज इट इज़ स्टार्ट करना है, एज इट इज़ स्टार्ट करना है। ये सारा काम आपने वहाँ किया होगा, ये सारा किया। सबसे पहले आपने कनेटिक एनर्जी निकालनी है, फिर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी निकाल के फिर लग्रांजियन निकालना है, लग्रांजियन निकाल के फिर मोमेंटास निकालने हैं। अब ये सब कुछ आपको पता है कैसे निकालते हैं, मोमेंटास निकाल के फिर हैमिल्टन आपने हैमिल्टन एच निकालना है इन टर्म्स ऑफ मोमेंटास अप टू क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फोर तक एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है जी, उसके बाद फिर चलेगा हैमिल्टन जो भी क्वेश्चन, तो ध्यान रखना भी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई चीज़ें सारी। तो हैमिल्टन जकोबी इक्वेशन की हेल्प से जब इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है तो आपको एच निकालना ही पड़ेगा, एच इन टर्म्स ऑफ मोमेंटास आपको निकालना ही पड़ेगा, ध्यान रखना इस चीज़ का। फिर लिखेंगे नाउ वी नो हैमिल्टन जकोबी इक्वेशन आर, क्या होती है, कर डी एस बटा कर डी टी प्लस एच इक्वल टू जीरो, फिर पी इज इक्वल टू कर डी एस बटा कर डी क्यू। ठीक है, अब यहाँ पर कितने वेरिएबल हैं, आर एंड थीटा, तो जितने वेरिएबल जनरलाइज्ड वेरिएबल होंगे उतने आपके कर्ली एस वटा कर्ली क्यू निकलेंगे यहाँ पे। ठीक है, एक आर की वजह से, तो आर की वजह से क्या बन जाएगा, कर्ली एस वटा कर्ली आर इक्वल टू पी आर, दूसरा थीटा है तो कर्ली एस वटा कर्ली थीटा इक्वल टू पी थीटा, तो कर्ली एस वटा कर्ली आर इक्वल टू पी आर, कर्ली एस वटा कर्ली थीटा इक्वल टू पी थीटा। आर की वजह से जनरलाइज्ड मोमेंटा इन टर्म्स ऑफ हैमिल्टन कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन और इन टर्म्स ऑफ थीटा। अब इस पी आर और पी थीटा की वैल्यू को उठाओ और यहाँ रख दो, यहाँ रख दिया तो एच क्या बन गया, वन बाई टू एम, दोनों में कॉमन अंदर बन गया, कर लिया स्पटे कर लिया आर का स्क्वेयर प्लस वन अपॉन आर स्क्वेयर, ये कर लिया स्पटे कर लिया थीटा का स्क्वेयर माइनस एम एम यू आर। इस एच को उठाया, अब इस एच को उठाया और उसको रखा यहाँ पे, एंड फॉर एवरी क्वेश्चन यही सेम स्टेप होगा। एच तक आपने निकालना है, एच तक निकालने के बाद फिर आपने मोमेंटा निकालने हैं इन टर्म्स ऑफ एस, फिर उन मोमेंटा को जो कि इन टर्म्स ऑफ एस निकालने हैं उनको यहाँ रखना है, और रखने के बाद इस एच की वैल्यू आपने हैमिल्टन को भी क्वेश्चन में रख देनी है, बस। अब उसके बाद अगला टास्क है इसको सॉल्व कर। ठीक है, इस एच की वैल्यू रख दी यहाँ पे, और एच की वैल्यू रखने के बाद इसको कर दिया नंबर छः। क्लियरली इक्वेशन नंबर सिक्स इज नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन लीनियर का मतलब इसकी डिग्री थ्रू आउट वन नहीं है, मतलब वन नहीं, सॉरी, हाँ वन नहीं है। देखो यहाँ डिग्री टू, यहाँ डिग्री टू, यहाँ डिग्री वन, तो दिस इज नॉन लीनियर, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमारा मेन टारगेट क्या है, इस नंबर छः को सॉल्व करना, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करके एस की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, और इसको सॉल्व करने के लिए वी विल यूज़ नाउ वेरिएबल सेपरेबल मेथड। अब ये कुछ टेक्निक्स हैं जो आपको याद करनी है, आपने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन स्टडी की, वहाँ आपको बताए होंगे मेथड्स कि किस तरीके से वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज़ करके हम सॉल्यूशंस निकालते हैं। तो आपने ये देखना है कि
वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाने से पहले ये देखना है कि आपके कितने वेरिएबल इस इक्वेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो आपकी इक्वेशन नंबर सिक्स जिसको आपने सॉल्व करना है उस इक्वेशन नंबर सिक्स में कितने वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं। उन तमाम वेरिएबल को यूज़ करते हुए आपने वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज़ करना है। वेरिएबल सेपरेबल मेथड बोलता है कि जितने वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं उन वेरिएबल्स को आपने अलग अलग टर्म में लिखना है। तो ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। लेट एस इक्वल टू माइनस ए वन टी, एक वेरिएबल टी था नंबर छः में, एक वेरिएबल थीटा था, एक वेरिएबल आर था। तो मैंने मान लिया ये एस की वैल्यू माइनस ए वन टी प्लस ए टू थीटा प्लस एफ ऑफ आर इस इक्वेशन नंबर छः का सॉल्यूशन है। ठीक है जी, ये आपको याद करना पड़ेगा यहाँ पे। वो हमारा मेन मकसद क्या है, ए वन निकालो, ए टू निकालो, एफ ऑफ आर निकालो, यहाँ रखो एंड गेट द रिजल्ट। तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के कई तरीके हैं। एक तो तरीका है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को डायरेक्ट सॉल्व करो, गेट द रिजल्ट। और एक क्या होता है कि हम मान के चल पड़ते हैं ये इसका सोल्यूशन है, और फिर उसके बाद प्रूव करते हैं कि मान के चलते हैं कि ये इसका सोल्यूशन है, फिर उसके बाद हम जो उसके सोल्यूशन के अनुसार जो वैल्यूज चाहिए होती है उनको हम सॉल्व करते हैं, उनकी वैल्यू निकालते हैं और यहाँ पे रख देते हैं। तो यहाँ पर हम उल्टा चल रहे हैं, हम मान रहे हैं कि ये इक्वेशन नंबर सिक्स का सोल्यूशन है। अब हमारा मेन टारगेट है ए वन, ए टू और एफ ओ फार निकालना। ठीक है जी, ओके। नाउ हमने बोला कि ये नंबर सात नंबर छः का सोल्यूशन है। अगर नंबर सात नंबर छः का सोल्यूशन है तो ये नंबर सात नंबर छः को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है जी, क्लियर हो गया। नंबर सात नंबर छः को सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब एस का डायरेक्टिव विद रिस्पेक्ट टू टी निकालो, एस का डायरेक्टिव विद रिस्पेक्ट टू आर निकालो, एस का डायरेक्टिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा निकालो और निकाल के यहाँ रख दो। यही किया आगे, तो एस का डायरेक्टिव विद रिस्पेक्ट टू, इस एस का डायरेक्टिव विद रिस्पेक्ट टू टी निकाला, इतना आ गया माइनस ए वन। इसका डायरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टी माइनस ए वन प्लस वन अपॉइंट टू एम एज इट इज़। एस का विद रिस्पेक्ट टू आर निकाला, फिर एस का विद रिस्पेक्ट टू थीटा निकाला और उनकी वैल्यू रखनी है यहाँ पे। तो एस का डायरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टी निकाला तो आ गया माइनस ए वन प्लस वन अपॉइंट टू एम। एस का डायरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू थीटा निकाला, विद रिस्पेक्ट टू थीटा निकाला, एस का डायरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू थीटा निकाला तो ये आ गया ए टू, तो ये आ गया ए टू का स्क्वेयर। ठीक है, फिर एस का डायरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू आर निकाला तो विद रिस्पेक्ट टू आर क्या आएगा, डी एफ बटा डी आर। तो एस का डायरेक्टिव विद रिस्पेक्ट टू आर यहाँ रखा, एस का डायरेक्टिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा यहाँ रखा, माइनस एम एम यू अपॉन आर इक्वल टू जीरो। अब इसको सॉल्व करते हुए हमने ए वन ए टू निकालने, बस उसके बाद माइनस ए वन और माइनस वाइट दोनों टर्म में पर इस साइड लेके, उसके बाद इस वन अपॉइंट टू एम को इस साइड लेके आगे, जब इस साइड लेके आए इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और उसके बाद वन अपॉन आर स्क्वेयर ए टू स्क्वेयर इसको उठा के उस साइड लेके आ जाए तो माइनस आ गया। तो डी एफ बटा डी आर का होल स्क्वायर ये आ गया। फिर 2m प्लस इन दोनों को इकट्ठा कर दिया, इन दोनों को इकट्ठा कर दिया, इसके पास तो 2m है, इसके पास 2m नहीं है, तो मैंने क्या किया इसको 2m से मल्टीप्लाई किया, 2m से डिवाइड कर दिया। तो tm से मल्टीप्लाई करके 2m कॉमन ले लिया, 2m से डिवाइड कर दिया, सिंपल काम। और उसके बाद दोनों साइड अंडर रूट ले लिया, अंडर रूट लेकर डी एफ बटे डी आर इक्वल टू अंडर रूट टाइम आ गया। उसके बाद इसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करके यहाँ से एफ ऑफ आर आ गया। इस साइड इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन पूरे के साथ इंटीग्रेशन, यहाँ अलग अलग कर दिया है दोनों अंडर रूट, टू एम अंडर रूट अलग कर दिया, अलग कर दिया, अलग करने की जरूरत नहीं, इकट्ठा भी चला सकते हैं आप। होल इंटू डी आर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, सिंपल इंटीग्रेशन और कुछ नहीं है। अब इस एफ ओ आर को उठाया, इस एफ ओ आर को उठाया और नंबर सेवन में यहाँ रख दिया, माइनस ए वन टी प्लस ए टू थीटा प्लस इस एफ ओ आर की वैल्यू, इस एफ ओ आर की वैल्यू, ये एफ ओ आर की वैल्यू यहाँ रख दी, कुछ इनके बन, और इसको कर दीजिए नंबर नाइन। सिंपल कैलकुलेशन और कुछ नहीं है। ठीक है जी, उसके बाद नाउ वी नो, कर लिया सोटा कर लिया, माइनस बी के बराबर होता है, देख चुके हैं आप जुको भी थ्योरम में, ए मीन्स ए वन ए टू सोन ए एन, बी मीन्स बी वन बी टू सोन बी एन। तो यहाँ पर कितने वेरिएबल थे, दो ही वेरिएबल ने, तो उसके अनुसार कर लिया सोटा कर लिया, वन इक्वल टू माइनस बी वन, कर लिया सोटा कर लिया, ए टू इक्वल टू माइनस बी टू। तो नंबर नाइन आपके पास आ चुका है, नंबर नाइन को पहले विद रिस्पेक्ट टू ए वन डिफरेंशिएट करो, फिर नंबर नाइन को विद रिस्पेक्ट टू ए टू डिफरेंशिएट करो। ठीक है, नंबर नाइन को विद रिस्पेक्ट टू ए वन डिफरेंशिएट करो, फिर विद रिस्पेक्ट टू ए टू डिफरेंशिएट करो। ध्यान से देखना इसको ज़रा, जब आप इसको विद रिस्पेक्ट टू ए वन डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ आएगा माइनस टी, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा जीरो, यहाँ ए वन अंडर रूट के अंदर है, यहाँ ए वन अंडर रूट के अंदर है,
इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू आर, ध्यान रखना इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू आर, वी आर डिफरेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू ए वन, तो जब विद रिस्पेक्ट टू ए वन डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसे एक्स की पावर एन टाइप का रिजल्ट बन रहा है, तो क्या बनेगा वन बाई टू ये पूरा पावर माइनस वन बाई टू इन टू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू ए वन, तो इसकी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू ए वन क्या आएगी सिर्फ टू एम, बाकी सारे जीरो हो जाएंगे। जब विद रिस्पेक्ट टू ए टू डिफरेंशिएट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, यहाँ बचेगा थीटा, विद रिस्पेक्ट टू ए टू डिफरेंशिएट करेंगे तो ये फिर दोबारा से एक्स की पावर एन टाइप का रिजल्ट, तो एक्स की पावर एन की डिफरेंशिएशन होगी वन बाई टू इस पूरे की पावर माइनस वन बाई टू इन टू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू ए टू, जब इसको विद रिस्पेक्ट टू ए टू डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी डायरेवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ए टू जीरो हो जाएगी, इसकी डायरेवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ए टू जीरो हो जाएगी और इसका डायरेवेटिव आएगा टू ए टू बट टू एम आर स्क्वायर इन टू टू एम, ठीक है जी। तो ये यहाँ पर किया हुआ है, यू कैन चेक, जब विद रिस्पेक्ट टू ए वन डिफरेंशिएट किया तो ये आया, ध्यान रखना जब विद रिस्पेक्ट टू ए टू डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया, ये अब आप कर सकते हैं, अब आप इतने बड़े हैं कि डिफरेंशिएशन यू कैन डू। आल्सो पी आर कर लिया सोटा कर लिया होता है, मतलब पी वन कर लिया सोटे कर ली सॉरी पी आर इक्वल कर लिया सोटे कर लिया, पी थीटा इक्वल कर लिया सोटे कर लिया थीटा था, तो यहाँ से एस को फिर विद रिस्पेक्ट टू आर डिफरेंशिएट कर दो, इसी एस को नंबर नाइन को विद रिस्पेक्ट टू आर डिफरेंशिएट करो, जब विद रिस्पेक्ट टू आर डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास ये डिफरेंशिएशन आएंगे। अब ये टास्क मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ध्यान रखना है। फिर पी थीटा होता है एस का डायरेक्टिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, एस को विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करो सिर्फ ए टू बचेगा, बाकी सारे डायरेक्टिव जीरो हो जाएंगे। और एच होता है माइनस कर लिया सोटा कर लिया टी, फिर एस को विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट कर दो, ये नंबर नाइन जो है नंबर नाइन को विद रिस्पेक्ट टू आर डिफरेंशिएट करो, नंबर नाइन को विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करो, नंबर नाइन को विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करो, ये आपके पास सोल्यूशन आ जाएंगे। उसके बाद फिर आपने ये ए वन की वैल्यू आ गई एच, ए टू की वैल्यू आ गई पी थीटा, ए वन और ए टू को उठाओ नंबर नाइन में रख दो और आपके पास ये एस की वैल्यू आ गई, और दिस इज़ द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर सिक्स। तो दिस इज़ द हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन मेथड ड्यू टू विच वी विल फाइंड द सोल्यूशन ऑफ एनी सिस्टम, ठीक है जी। उसके बाद ये सेकेंड क्वेश्चन है, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ फिलहाल, मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ आपको इसका। फॉर हारमोनिक ऑसिलेटर फॉर विच एच इक्वल पी स्केयर अपॉन टू एम प्लस हाफ एम ओमेगा स्केयर क्यू स्केयर ऑब्टेन हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन, अगर ये स्टेटमेंट आती है तो यहाँ पर एच उसने निकाल के दे दिया आपको। अभी ध्यान अगर याद हो आपको तो पिछले क्वेश्चन क्या था, क्या एच तक पहुँचे थे, हमें एच निकालना था, तो यहाँ पर उसने एच दे ही दिया खुद ही, अगर खुद ही दे दिया होगा तो आपका शुरू का काम सारा खत्म हो जाएगा, तो सीधे आपने फिर हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन स्टार्ट करना है। और सिंपल लिखा है डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर बाय यूजिंग हैमिल्टन जैकोबी मेथड, फिर तो सारा करना पड़ेगा। और ये आप हैमिल्टन सॉरी हार्मोनिक ऑसिलेटर आप सेक्शन टू में कर चुके हैं, ठीक है। सेक्शन टू का था क्वेश्चन नंबर थ्री, तो क्वेश्चन नंबर थ्री सेक्शन टू का जो क्वेश्चन नंबर थ्री था वो एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करना, यहाँ से स्टार्ट करना, वहाँ पर हार्मोनिक ऑसिलेटर यहीं से स्टार्ट हुआ है। एज इट इज़ कनेटिक एनर्जी निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, लैग्रेंजियन निकालना है, मोमेंटास निकालने हैं, फिर हैमिल्टन निकालना है, ठीक है। अगर पहली स्टेटमेंट होगी तो यहाँ हैमिल्टन निकल चुका, तो ये काम कुछ नहीं करना फिर, तो ये आपका काम जीरो हो जाएगा सारे। तो हैमिल्टन निकाल के ये निकल गया हैमिल्टन आपका। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर थ्री सेक्शन टू अप टू क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर पाँच तक आपने एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करना है, बस जैसे एच निकला उसके बाद फिर आपने हैमिल्टन जो कोई भी क्वेश्चन निकलनी है, कर लिया एस और कर लिया टी प्लस एच इक्वल टू जीरो, फिर कर लिया सोटा कर ली क्यू इज इक्वल टू पी। तो यहाँ पर एक ही आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है इस सिस्टम में हार्मोनिक ऑसिलेटर में, दैट इज़ एक्स इटसेल्फ, तो क्यू की जगह आ गया एक्स, तो ये पी की जगह आ गया पी एक्स। तो फिर क्या बोला था आपने, फिर क्या किया था हमने, ये जो मोमेंटा निकालते थे इसको रिप्लेस करना है इस इक्वेशन में, फिर इस एच को उठाना है, उसको रखना है यहाँ हैमिल्टन को भी इक्वेशन में, और रखने के बाद फिर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, और सॉल्व करके कैपिटल एस की वैल्यू निकालनी है, यही प्रोसीजर है फॉर एवरी क्वेश्चन। तो मेन टारगेट है इसको सॉल्व करके एस की वैल्यू निकालना, ठीक है। तो फिर वही वेरिएबल सेपरेबल मेथड अप्लाई करेंगे, फिर देखो जहाँ कितने वेरिएबल हैं, यहाँ पर सिर्फ दो वेरिएबल हैं, एक एक्स और एक टी, एक एक्स है एक टी है, दो ही वेरिएबल हैं। तो हमने क्या किया, माइनस ए वन टी प्लस एफ ऑफ एक्स हमने मान लिया इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन ऑफ नंबर वन। अब टारगेट क्या है, ए वन की वैल्यू निकालना और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालना, बस इनको निकालो यहाँ रखो एंड गेट द रिजल्ट। तो निकालने का तरीका,
एस को विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट किया, आ गया -a1। ठीक है जी, कर लिया सब, कर लिया टी की जगह -a1 रख दिया, यहाँ पुट कर दिया -a1 + 1/2m। एस का डायरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकाला, तो एस का डायरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो गया, df/dx, यहाँ का df/dx का होल स्क्वायर +1/2kx2=0। और यहाँ से फिर जो हमें चाहिए df/dx का होल स्क्वायर एक साइड रखा, बाकी सारा वाली साइड ले गया, ये आ गया। और यहाँ से df/dx अंडर रूट फॉर्म में आ गया, फिर इसको इंटीग्रेट कर दिया, और यहाँ से हमारा f(x) आ गया। तो f(x) आ गया इंटीग्रेशन दिस अंडर रूट इंटू dx, अंडर रूट dx अंडर रूट से बाहर ध्यान रखना है +c, तो ये f(x) निकल गया। अब इस f(x) को थोड़ा सा उसने और कैलकुलेट किया है, अगर आप ना चाहें तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं f(x) को, पर इसको आगे कैलकुलेट किया देखें ज़रा, क्योंकि ऑसिलेटर की बात हो रही है तो हम सॉल्व कर रहे हैं इसको। मैंने क्या किया, यहाँ पे यहाँ से मैंने यहाँ पर मैंने m से इसको मल्टीप्लाई किया और m से इसको डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करके m² अंडर रूट से बाहर निकाल दिया। जैसे अंडर रूट से बाहर निकाला तो क्या होगा, देखो ज़रा अपने आप, m² बाहर निकाला तो m बाहर हो गया, इंटीग्रेशन 2a1/m -k/m(x²) ब्रैकेट में अंडर रूट dx अंडर रूट से बाहर ध्यान रखना है +c, भेयर k/m इज ω², पता है आपको हार्मोनिक ऑसिलेटर में ω² की वैल्यू होती है k/m, तो इस k/m की जगह आ गया ω². फिर उसके बाद इसको ω² से मल्टीप्लाई किया, ω² से डिवाइड किया, और दोनों से ω² कॉमन बाहर निकाल दिया, m(ω)(2a1)/m(ω²-x²) ये इंटू dx, ये ध्यान रखना dx अंडर रूट से बाहर है ये, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन से। उसके बाद ω² की वैल्यू रख दी यहाँ पे ω² की वैल्यू रख के ये mm कैंसिल हो जाएगा, और 2a1/k को नाम दे दिया हमने α², 2a1/k को नाम दे दिया α², तो ये बन गया m(ω)(α²-x²) अंडर रूट dx, ये dx अंडर रूट से बाहर है ध्यान रखना है, ठीक है, dx जो है वो अंडर रूट से बाहर है +c, तो α² नाम दे दिया हमने 2a1/k। अब इसको उठाओ, इस f(x) की वैल्यू को उठाओ, ये f(x) की वैल्यू निकाली, इसको उठाओ नंबर 2 में, तो नंबर 2 में जैसे रखा तो ऐसा आ गया -a1t + m ω, ये इंटीग्रेशन α² - x² dx अंडर रूट प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी नंबर दी इसको 3। ये आ गई s की वैल्यू। अब मेन टारगेट है इस a1 की वैल्यू निकालना, अगर a1 की मिल जाए वैल्यू मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। नाउ वी नो कर लिया s/2, कर ली a = -b, पता आपको फिर वो इक्वेशन यूज़ की, तो यहाँ पर वेरिएबल a की है तो a की a और a की b आएगा, तो कर लिया s/2, कर ली a1 = -b1। अब इस एस को विद रिस्पेक्ट टू a1 डिफरेंशिएट करो, विद रिस्पेक्ट टू a1 डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, -b1 = यहाँ आएगा -t, इसको विद रिस्पेक्ट टू a1 डिफरेंशिएट किया, ध्यान रखना है। ये जो टास्क है ये थोड़ा डायरेक्ट कर दिया, यहाँ पे ये जो टास्क है डायरेक्ट कर दिया है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, नंबर 3 को आपने विद रिस्पेक्ट टू a1 डिफरेंशिएट करना है, और डिफरेंशिएट करना है तो ये मैं करके दे रहा हूँ आपको यहाँ पे, ये देखिए ज़रा, ये था ऐसा आपका, ये नंबर 3 था आपका, ये कर लिया s/2, कर ली a1 = -b1 आपने यूज़ किया, इस इक्वेशन को आपने विद रिस्पेक्ट टू, इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू a1 डिफरेंशिएट करना है, तो जब a1 डिफरेंशिएट करेंगे तो इस साइड आ जाएगा -b1, a1 से डिफरेंशिएट किया -t + m ω, ठीक है, α² की वैल्यू मैंने रीसब्स्टिट्यूट कर दी फिलहाल, 2a1/k, जब इसको विद रिस्पेक्ट टू आप a1 डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो डिफरेंशिएशन क्या बन गई, m ω as it is। अब इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स का ध्यान रखना, इंटीग्रेशन के ऊपर डिफरेंशिएशन का कोई असर नहीं होगा, वी आर डिफरेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू a1, इसको हम विद रिस्पेक्ट टू a1 डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन तो एज इट इज़ रहेगी, इसकी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू a1, तो ये फिर एक्स की पावर n टाइप कर रहा हूँ, तो एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n(x)-1, 1/2 -1 आएगा तो -1/2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू a1, जब इसको विद रिस्पेक्ट टू a1 डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ आएगा 2/k, इसका डायरेक्टिव 0 हो जाएगा, इंटू dx + c, यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, ये k कॉन्स्टेंट बार हो गया, और 2a1/k को मैंने फिर α² लिख दिया, क्योंकि मेरा काम हो गया इंटीग्रेशन का, तो वी कैन अगेन राइट दिस एज α², तो ये आ गया -t, ठीक है, m/k 12/ω² होता है m/k, 12/ω² होता है m/k, तो m/k को लिख दिया मैंने 12/ω², ये एज इट इज़, ये एज इट इज़, यहाँ से मेगा मेगा कैंसिल हो गया 12/ω, और इंटीग्रेशन की लिमिट दे दी मैंने x0 to x1, नहीं देना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, 1/α² - x² √dx + c,
ठीक है, तो ये स्टेप हमने वहाँ डायरेक्ट लिखा था, तो ये मैंने बता दिया कि किस तरीके से आया। ये स्टेप आया आपका, ये माइनस बी, ये स्टेप आया माइनस बी इक्वल टू माइनस टी प्लस वन अपॉन ओमेगा इंटीग्रेशन एक्स जीरो टू एक्स वन वन अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट डी एक्स प्लस सी, वेयर एक्स जीरो इज इनिशियल डिस्टेंस, ठीक है, एक्स वन इज फाइनल डिस्टेंस एट एनी पॉइंट एट एनी टाइम टी। तो माइनस बी आ गया माइनस टी वन अपॉन ओमेगा और वन अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस इनवर्स एक्स बटे अल्फा। अब ये इंटीग्रेशन फार्मूला आपको याद होना चाहिए, वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस इनवर्स एक्स बटाए लिमिट फ्रॉम एक्स जीरो टू एक्स प्लस सी। और अगर ये ना भी लगाएं एक्स जीरो टू एक्स वन तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स जीरो टू एक्स वन, तो यहाँ से माइनस 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 खत्म हो गया, तो बी वन आ गया टी प्लस वन अपॉन ओमेगा कॉस इनवर्स एक्स अपॉन अल्फा एक्स जीरो टू एक्स वन प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। ठीक है जी, उसके बाद उसी तरीके से बी वन निकल गया, पी एक्स कर लिया, एस बटे कर लिया एक्स होता है, एस का डायरेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये एक्स है, ये एस है नंबर तीन में, इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डायरेटिव जीरो हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे अब इंटीग्रेशन डायरेटिव के साथ कैंसिल हो जाएगी, क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन इज विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उसकी डिफरेंशिएशन आ गई ये एम ओमेगा अल्फा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, एच होता है माइनस कर लिया एस बटा कर ली टी और माइनस कर लिया एस बटा कर ली टी ए वन के बराबर है, अभी निकाला होगा आपने ऊपर, ए कर लिया एस बटा कर ली टी, एक्स को विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, ये वन आएगा, बाकी सारा जीरो हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है आपने, इस पी एक्स की वैल्यू को, इस ए वन की वैल्यू को उठाओ और नंबर तीन में रख दो, यहाँ पे यहाँ ए वन की वैल्यू रख दो, पी एक्स कह रहे यहाँ पर है नहीं तो ए वन की वैल्यू एच यहाँ रख दो और इमीडिएट वी विल गेट द वैल्यू ऑफ एस, तो वही लिखा मैंने लास्ट में, बाय सब्सटीट्यूटिंग पी एक्स एंड ए वन इन इक्वेशन नंबर थ्री वी गेट द फाइनल रिजल्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट दीज क्वेश्चंस बाय जकोबी मेथड और यू कैन से हैमिल्टन जकोबी इक्वेशन। अभी तक ये दो ही क्वेश्चन हैं और भी हो सकते हैं, तो यू कैन डू बाय सेम प्रोसेस, सो इसको मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूँ, थैंक यू वेरी मच।